हेलो दोस्तों, हेलो एल्किन और एरिन्स के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पे आईपीएससी नाम पद्धति को समझेंगे। ए आईपीएससी नाम पद्धति होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, और जो भी वीडियो में नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के टॉपिक टू टॉपिक वीडियो देने वाले हैं। और यहाँ पर हम आपको ये समझाएँगे कि कितने प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट भी हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए, हम आपको लाइन टू लाइन पढ़ाने जा रहे हैं। हैलोजन यौगिकों का वर्गीकरण सीखने के पश्चात आइए अब हम सीखें कि इन्हें नाम कैसे दिया जाता है। यानी कि हैलोजन यौगिक हम जो पहले वीडियो बना दिए हैं, जो वीडियो में नए हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, बाकी दो वीडियो बहुत लंबा नहीं है, 15-15 मिनट का मात्र वीडियो है, आप उसमें देखिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लगेगा। और ये आपके लिए ही बनाया जा रहा है, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, ताकि आप अपनी तैयारी आसानी से और अच्छे तरीके से कर सकें। ये यूपी बोर्ड 2025 को ध्यान रखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों, एल्किल हैलाइडों के सामान्य नाम को व्युत्पत्ति करने के लिए एल्किल समूह का नाम लिखने के पश्चात हैलाइड का नाम लिखा जाता है। नामकरण की आईयूपीएसी पद्धति में आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूरा नाम है। पद्धति में एल्किल हैलाइड का नामकरण हैलो प्रतिस्थापी, जो हैलोजन ग्रुप का प्रतिस्थापन होता है, वे हाइड्रोकार्बन के रूप में किया जाता है। एक हैलोजन वाले बेंजीन के व्युत्पन्नों के सामान्य और आईयूपीएसी नाम एक ही होते हैं। डाईहैलाइड व्युत्पन्नों के लिए सामान्य प्रणाली में AO का मतलब होता है आर्थो, M का मतलब होता है मेटा तथा P का मतलब होता है पैरा पूर्वलग्न का उपयोग करते हैं। जबकि जैसा आप कक्षा 11 के एकक 12 यानी कि चैप्टर 12 में जान चुके हैं कि आईयूपीएसी पद्धति में इनके लिए एक मतलब 1, 2, 1, 3 तथा 1, 4 संख्याओं का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम अब इनके आईयूपीएसी को समझते हैं। आईयूपीएसी है क्या, देखिएगा, ये आपका कार्बन है, यहाँ पे CH3 और ये CH2 और फिर उसके बाद क्या है CH2 और BR है। दोस्तों, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, कार्बन यहाँ से ये सभी जुड़े हुए हैं तो 1, 2 और 3, तो ये क्या हो गया प्रोप। कार्बन की संख्या अगर 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ प्रोप, 3 है तो मेथ एथ प्रोप ब्यूटेंट हेक्स हेप्ट आक्नोन डेक, ये सभी आप पढ़े भी हैं। जो नहीं पढ़े हैं, यहाँ 0 से बनाया जा रहा है वीडियो को, तो जो नहीं जानते वो भी इसको समझ लें। तो 1, 2, 3 यानी कि प्रो पेन आप ऐसे समझिए, लेकिन प्रोपेन कैसे, ब्रोमीन पहले है तो 1-bromo-1-bromo-propane, इसका पूरा नाम होगा 1-bromo-propane, क्योंकि पहले पे ब्रोमो जुड़ा है, यहाँ पे भी लिखा है 1-bromo-propane। अब कई बच्चों का ये प्रश्न होगा जो नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे, वो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख लेंगे। इसमें क्या होगा, यन का मतलब होता है, यन प्रोपिल का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल चैन, जब कोई कार्बन ऐसे चैन में चल रहा है, समझ रहे हैं, एक नॉर्मल चैन, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक नॉर्मल चैन, ये इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 5 है तो इसका नाम हो जाएगा यन पेंटेन भी कह सकते हैं, लिखा भी रहता है कहीं कहीं यन पेंटेन। सभी सिंगल बंद हैं इसलिए पेंटेन, और यन इसलिए कि ये नॉर्मल चैन में है, एक सीधी श्रृंखला है इसकी, कोई ब्रांच नहीं है। जबकि आइसो को क्या कहते हैं, जब कार्बन की श्रृंखला में ऐसी स्थिति आ जाए कि एक कार्बन से 2 CH3 जुड़े हुए मिले, और यहाँ पे जैसे 1H के अलावा कार्बन का आगे चैन चलता रहे, इस स्थिति को आइसो कहते हैं, आइसो। जबकि नियो किसे कहते हैं, जब कार्बन में 3 CH3 हो,
एक कार्बन से, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से समझिएगा, इसमें एक एच है, एक एच है, दो सी एस थ्री ग्रुप हैं, जबकि यहाँ एक कार्बन से तीन सी एस थ्री ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक कार्बन का चैन भी आगे बढ़ रहा है। इसे आप नियो कहते हैं, नियो या टर्ट, मतलब कि जो चार ग्रुप अटैच किया हो, ये फोर डिग्री कार्बन हो, ये आपका थ्री डिग्री कार्बन है, ये अपने में फर्स्ट डिग्री कार्बन है, आप इसे फर्स्ट डिग्री समझेंगे और इस कार्बन को इसके लिए आप सेकेंड डिग्री समझेंगे। ये डिग्री कार्बन भी हम आपको समझाएंगे जैसा जैसा टॉपिक आता रहेगा। देखिएगा यहाँ पे नाम पद्धति को हम समझते हैं, अब इसी वीडियो में हम इसे ऐसे ही समझ लेंगे जो कि आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिएगा यहाँ पे कार्बन यहाँ से अंकन करेंगे और दूसरे पे क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है, तो 1 2 3 नाम पद्धति में इसका नाम हो जाएगा 1 और इसका नाम हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3। देखिएगा 1 2 3 इसे 1 2 3 समझेंगे, ऐसे ही समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 दूसरे पे क्या है, क्लोरीन जुड़ा है, दूसरे पे क्या है, क्लोरीन जुड़ा है, तो 2 क्लोरो, क्लोरो पहले लिखा जाता है, प्रतिस्थापी ग्रुप है तो पहले लिखा जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। प्रोपेन क्यों, क्योंकि 1 2 3 तीन कार्बन यहाँ पे उपस्थित है और इस कार्बन से देखिएगा एक सी एस थ्री ए और एक सी एस थ्री ए जुड़ा है, जिसकी वजह से आइसोप्रोपिल हुआ। प्रोपिल में कार्बन की संख्या तीनों ली जाती है, आइसो का जब नाम लिया जाता है तो इसमें कार्बन की संख्या तीनों ली जाएगी, ए ए और ए तीनों ली जाएगी, इसीलिए तो आइसोप्रोपिल कहा जा रहा है, ठीक है, तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अंकन में क्या हो जाएगा, यहाँ से अंकन करेंगे 1 2, क्योंकि प्रतिस्थापी ग्रुप यहाँ से मिल रहा है, 1 2 3 या फिर 1 2 3 इसे भी कर सकते हैं, लेकिन 2 पे जो होगा, 2 पे एक मेथिल ग्रुप छूटने वाला है, चाहे इधर का छोड़े चाहे इधर का छोड़े, तो क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटिल क्लोराइड नाम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से देखिएगा एक और दो सी एस थ्री ग्रुप जुड़े हैं, तो आइसोब्यूटिल क्लोराइड, क्यों, क्योंकि 1 2 3 और 1 4, ब्यूट का मतलब होता है चार कार्बन, लेकिन ऐसे अगर आईपीएसी इसका नाम देखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 पहले पे क्लोरो जुड़ा है, 1 क्लोरो पहले लिखेंगे, 1 क्लोरो 2 1 2 दूसरे पे एक मेथिल छूट रहा है, तो मेथिल जो छूट रहा है चाहे इसे जुड़े चाहे इसे जुड़े, 2 मेथिल प्रोपेन 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेन। ऐसे ही इसका नाम आगे बढ़ते हुए हम इसे भी देख लेते हैं, जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करिएगा, हम उसको फिर से समझाएंगे। यहाँ पे समझेंगे ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन क्यों, क्योंकि इसका साधारण नाम है ब्रोमो, अगर सिंगल है तो वही नाम माना जाता है, ब्रोमोबेंजीन यहाँ भी होगा, ब्रोमोबेंजीन यहाँ भी होगा, क्योंकि ब्रोमाइड एक सिंगल जुड़ा है, लेकिन अगर ब्रोमीन दो ग्रुप अगर आ जाएं एक बेंजीन में, अभी हम ये पढ़े हैं ये हेलो एल्केन है और जबकि हेलो एरीन है, तो हेलो एल्केन का नाम हम समझ गए हैं, हेलो एरीन का नाम समझने वाले हैं, तो ब्रोमीन में अगर देखिएगा किसी बेंजीन रिंग में अगर दो ब्रोमीन ग्रुप एक साथ आते हैं तो एक ए अपने में एक मेन ग्रुप हो जाएगा, तो आर्थो ए है, मेटा ए है, पैरा पोजिशन ए है। आप अगर समझना चाहें तो यहाँ आसानी से समझ सकते हैं, यहाँ हम आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे। देखिएगा ये आपका आर्थो, यहाँ पे अगर कोई ग्रुप ऑलरेडी जुड़ा है तो ए अपने में आर्थो है, आर्थो, इसे मेटा कहते हैं, मेटा, इसे कहते हैं पैरा, पैरा को पी से, मेटा को यम से तथा आर्थो को ओ से प्रदर्शित करते हैं, इसे आप समझिएगा। अब हम यहाँ पे इसे अंकन भी जोड़ते हैं, 1 इसे मान के 2 3 4 ऐसे मानते हैं, आप आसानी से अब यहाँ से समझिएगा इसको, ये है क्या, देखिएगा यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन है, यानी कि इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 3 पे है तो 2 डाइब्रोमोबेंजीन, क्यों, क्योंकि दो बार ब्रोमो है, साधारण नाम, क्योंकि मेटा पे है, वो यहाँ पे आर्थो है, पोजीशन ये है मेटा, देखिएगा यहाँ से समझिएगा, इस पोजीशन को आर्थो कहते हैं, मेटा है, पैरा है, तो इसी पोजीशन पे अगला ब्रोमीन है, 1 2 3 इसी पोजीशन पे है अगला ब्रोमो, तो देखिएगा ए यहाँ पे है,
आसानी से समझिएगा, हम यहाँ जो समझा रहे हैं देखिए ऐसे, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, देखिएगा यहाँ पे बेंजीन रिंग है और यहाँ पे ब्रोमीन है, तो इसे हम आसानी से समझ लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन के अलावा देखिएगा अब होगा क्या, इसका नाम करेंगे 1, 2, 3 तीसरे पे है, यानी कि 1, 3 डाइब्रोमोबेंजीन, क्योंकि 1 और 3 पे 2 बार ब्रोमो है, डाइब्रोमोबेंजीन, जबकि इसका नाम क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 1, 2, 3 तीसरे पर और 5 मतलब पांचवें पर ट्राइब्रोमोबेंजीन, यानी कि 3 बार ब्रोमो जुड़ा है जिसे ब्रोमोबेंजीन कहते हैं। इसका आईपीएससी नेम, हम इसके आईपीएससी नेम को भी समझ लेंगे। 1, 2, 3 नाम रखते वक्त ऐसे ही रखेंगे, 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 3 ऐसे करेंगे, यानी कि दूसरे पे 2 मेथिल ग्रुप छूटेगा जो नाम में नहीं आएगा। वैसे ये नियो का कंडीशन है, अगर साधारण नाम लिया जाए, यहाँ पे आईपीएससी ही समझाया गया है तो हम आईपीएससी को ही समझ रहे हैं। तो 1, 2, 3 यानी कि पहले पे 1 क्लोरो, पहले पे क्लोरो, दूसरे पे ऊपर नीचे देखिएगा 2, 2 डाइमेथिल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2, 2 दूसरे पे 1, 2, 2, 2 डाइमेथिल, डाइमेथिल जो छूट रहा है या इधर अंकन कर लेंगे तो ये छूटेगा, कोई भी प्रोमो मेथिल प्रोपेन, प्रोपेन क्यों, क्योंकि सभी सिंगल बंद है। 1, 2, 3 अब ऐसे लिखेंगे या 1, 2, 3 कहीं से भी करें, क्योंकि दूसरे पे ही ब्रोमो आएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ पे हम इसको समझेंगे क्या, समान हैलोजन परमाणु, परमाणु युक्त अगर को एल्किलीडीन, एल्किलीडीन हैलाइड तथा 20-डाइहैलाइड को एल्किलीन डाइहैलाइड के रूप में नामित करते हैं। आईयूपीएसी पद्धति में इन्हें डाइहैलो एल्केन के रूप में नामित करते हैं। जैसे कि समझिएगा यहाँ पे जो दिया गया है, हम इसको समझ रहे हैं, यहाँ पे हम इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पे देखिएगा एक कार्बन से, इस कार्बन से CH2 के 2 ग्रुप जुड़े हैं, सॉरी यहाँ पे Cl के 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं और यहाँ पे CH3 जुड़ा है, आप इसको देखेंगे, जबकि यहाँ पे अलग अलग कार्बन से, यहाँ पे कार्बन क्लोरीन के 2 परमाणु इसी से जुड़े हैं, किससे, कार्बन से जुड़े हैं अलग अलग स्थिति में, और जबकि एक क्या जुड़े हैं एक ही स्थिति में। आप इसे ऐसे भी समझिएगा, देखिएगा यहाँ पे आप इसे समझेंगे कैसे, कार्बन है CH3 है ग्रुप, यहाँ पे CH है, ACH है, Cl है और यहाँ पे Cl है, इस कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़े हैं, जबकि CH2 यानी कि इससे 1 क्लोरीन जुड़ा है और ACH2 इससे 1 क्लोरीन जुड़ा है। ये अलग अलग स्थितियाँ हैं और इनमें स्थितियों के अनुसार ही इसका नाम होता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, आप समझिएगा जेम डाइहैलाइड, कब, जब स्थिति ऐसी होती है जेम डाइहैलाइड, एक कार्बन पे जब 2 Cl ग्रुप यानी कि समान ग्रुप, या ब्रोमीन होगा या क्लोरीन होगा या आयोडीन होगा, तो इसे जेम डाइहैलाइड कहते हैं। जबकि अगर अलग अलग कार्बन पे अलग अलग क्लोरीन जुड़े हों, ये देखिएगा अलग अलग ए कार्बन दोनों पे क्लोरीन अलग अलग जुड़ा है, तो इसे 20-डाइहैलाइड कहते हैं। आप इसे समझिएगा एथिलीन डाइक्लोराइड इसका नाम भी है। इसका आईपीएससी नेम हम आसानी से कर लेंगे, आईपीएससी नेम कैसे करते हैं आप जानते ही हैं, उसमें क्या हो जाएगा, इसे 1 मान लेंगे 1 और इसे मान लेंगे 2, तो 2, 1, 1 मतलब 1 पे 2 बार है, 1, 1 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो एथेन, जबकि इसका नाम क्या हो जाएगा 1, 2, 1, 2 डाइक्लोरो एथेन, बस नाम इतना ही होगा 1, 2 डाइक्लोरो, देखिएगा 1, 1 डाइक्लोरो एथेन, 1, 2 डाइक्लोरो एथेन हो जाएगा। कुछ मुख्य हैलो यौगिकों के साधारण उदाहरण जो हैं, सामान्य उदाहरण जो हैं, वो सारणी में दिए गए हैं, आप इस सारणी को आप देखिएगा, इसके आईपीएससी को समझिएगा और इसका नामकरण आप स्वयं करिएगा। ना आने की स्थिति में आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का आंसर अवश्य देंगे, जरूर देंगे। आप इसका किसी का भी आप फोटो भेज देंगे फोटो के माध्यम से, या आप स्ट्रक्चर आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका स्ट्रक्चर लिखिएगा, मैं इसे हर एक टॉपिक का समझा दूंगा। आप स्वयं करिएगा, इसका पूरा आईपीएससी पढ़िए। इसी पे
आधारित देखिएगा, यहाँ पे कई प्रश्न दिए गए हैं और इनके नाम लिखने हैं। प्रथम डिग्री, द्वितीय डिग्री, तृतीय डिग्री, जो भी है यहाँ पे तृतीय डिग्री है, द्वितीय डिग्री, ये सब नाम क्या है इसको भी आप समझिएगा, यहाँ इस नाम को भी समझिएगा आसानी से, और आएगा भी आसानी से, किसी का भी हम कर लेंगे। यहाँ पे चूंकि ये दिया गया है पाठ्यनिहित प्रश्न है, तो हम इसे पहले ही पहला वाला क्वेश्चन कर देते हैं। क्या लिखा है? 2-क्लोरो-2-मेथिल पेंटेन, 2-क्लोरो-2-मेथिल पेंटेन। नाम साधारण है, काम भी हम आसानी से इसका नाम लिख लें। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन पहले लगा दीजिए, 5 कार्बन लगा दिए। अब इसमें 2-क्लोरो, दूसरे पे क्लोरो है, आसानी से स्ट्रक्चर बनाइए, और दूसरे पे भी मेथिल भी है CH3, यहाँ भी लगा है, और ए अपने में एक CH3 ही होगा, और ए यहाँ पे एच बस हो जाएंगे, यहाँ पे एच हो जाएगा, यहाँ पे एक एच हो जाएगा, यहाँ पे एक एच हो जाएगा, यहाँ 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 ये सभी एच हो जाएंगे बस, यानी कि एक प्रकार का CH3 लास्ट में भी CH3 ही है। देखिएगा सी है और एच 3 है। कार्बन की टेट्राबैलेंसी होती है, ये आप पहले ही जानते हैं। कार्बन टेट्राबैलेंसी का मतलब कार्बन या तो ऐसे 4 जुड़ सकता है, या तो ऐसे 4 लोगों से जुड़ सकता है ऐसे, या फिर ऐसे 4 लोगों से कार्बन जुड़ सकता है, इस स्थिति से भी जुड़ता है। ये तीनों स्थिति कार्बन की ही है जुड़ने की, ऐसे जुड़ सकता है, कार्बन टेट्रावेलेंसी होता है। अब इसका नाम आप नाम लिखे थे 2-क्लोरो-2-मेथिल पेंटेन, नाम ने हमने स्ट्रक्चर बना दिया, आप भी बना सकते हैं आसानी से, बनाए भी होंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि आप लोग पढ़ने में बहुत होशियार हैं और जानते भी हैं बहुत कुछ। तो आप लोग अगर वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, थैंक यू। अब आप लोग देखिएगा, हम इस वीडियो पर इसके भी अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो CX मतलब क्या, कार्बन के साथ हाइलोजन जो ग्रुप है यानी कि यक्स ग्रुप यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आबंध की प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय अध्रुवीय वैध्रुवात्मकता क्या होती है, ये सभी चीज़ें यहाँ से संबंधित हैं। दोस्तों अगले टॉपिक में हम यही पढ़ाएंगे, और इससे पूरा स्टेप बाय स्टेप अब डेली क्लास चलेगा, डेली का डेली हम आपको शाम उस मॉर्निंग में वीडियो दे देंगे, आप देखिएगा। मॉर्निंग में वीडियो का शेड्यूल हमारा होगा मतलब आप देखिएगा 8 बजे तक हमारा वीडियो आप तक पहुंच जाएगा AM में। दोस्तों आप रिकॉर्डेड वीडियो, हम वीडियो पहले शूट रिकॉर्ड करते हैं फिर उसके बाद आपको देते हैं, क्योंकि लाइव क्लास चलाने में अभी प्रॉब्लम है, लाइव भी चलेगा। आप देखिएगा 8 बजे डेली वीडियो आपका NCERT से रिलेटेड मिलता रहेगा, टॉपिक टू टॉपिक। तो वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हर कोई पढ़े और UP बोर्ड आगे बढ़े। थैंक यू।